नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना ना फैले इसे ध्यान में रखते हुए मुहर्रम में ताजिया और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी तानाशाही सोच रखने वाले कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वो नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ताजिया और जुलूस निकालने के लिए हट पकड़े हुए हैं। ना तो इन्हें कानून का खौफ है और ना ही दूसरों की जान की कोई फिक्र, इन्हें तो सिर्फ अपनी ही मनमानी करनी है। अब ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है बरेली से, जहां बाकरगंज में गुरुवार की देर रात डीजे जब्त करने को लेकर ताजियादारों में बवाल खड़ा कर दिया। पुलिस के एक्शन के खिलाफ मुसलमानों की भीड़ ने बाकरगंज चौकी का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। भीड़ इतनी उग्र थी कि चौकी इंचार्ज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। जैसे इस विवाद की सूचना कई थानों को दी गई तो पुलिस के साथ सीओ मौके पर पहुंच गए और डीजे वापस कर मामले को रफा दफा कराया। माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए रात भर वहां फोर्स तैनात रही। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे बाकरगंज में झब्बू की टाल के पास एक घर के बाहर ताजिया रखा था। दो बाइक पर एक दरोगा और कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उन्होंने एक्शन लेते हुए डीजे जब्त कर लिया। घटना से गुस्साए लोगों ने कुछ ही देर बाद बाकरगंज चौकी का घेराव कर लिया और हंगामा करते हुए नारेबाजी करने लगे। माहौल बिगड़ता देख चौकी इंचार्ज ब्रजपाल सिंह ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आला अफसरों को इस घटना की सूचना दी। कुछ ही देर बाद सीओ द्वितीय आशीष प्रताप सिंह और 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे चौकी इंचार्ज और चीता मोबाइल के दोनों सिपाहियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इस विवाद की खबर सुनते ही रात करीब 2:30 बजे खानकाह निजाइया के प्रबंध शब्बू मियां नियाजी मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की और घर जाने को कहा, तब जाकर मामला शांत हुआ। मगर माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए वहाँ रात भर फोर्स तैनात रही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।